हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के ये क्या करना चाहता है? खुला चेतावनी दे रहा है कि मस्जिद में आके मुसलमानों को घुस के मारेंगे, तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो सुन बे रितेश राणे, तो अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आ मस्जिद के गेट पे खड़े हो, बताएंगे मुसलमान कौम क्या होती। उन्होंने कहा कि भाई आपकी एफआईआर ली जाएगी, आप निजामपुरा जाइए। मैं निजामपुरा गया, सीनियर साहब से मिला, सीनियर साहब ने मुझको सुना और मुझको कहा कि हमारी ऐसी मांग है इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसके ऊपर देशद्रोही का गुनाह दाखिल किया जाए। मलिक भाई क्या कहेंगे, आपने बीजेपी एमएलए नितेश राणे के खिलाफ जो आज एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। देखिए फॉर्म भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 20/8/2024 को हम रामगिरी महाराज के की कंप्लेन के लिए हमारी पार्टी शरद चंद्र पवार, एनसीपी शरद चंद्र पवार, इसके बैनर तले हमारे अध्यक्ष सोएब गुड्डू साहब के साथ हम लोग डीसीपी साहब के इधर एक मेमोरेंडम लेके गए थे कि रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर कीजिए। कल रात में मेरे पास एक वीडियो आया नितेश राणे का, उसमें वो अनाप शनाप बातें कर रहा है। उसको लेकर कल मैंने लेटर तैयार किया, आज सुबह डीसीपी साहब के पास गया, डीसीपी साहब को मैंने आगाह किया कि साहब ये देखिए क्या क्या ये हमारे कौम के बारे में बोल रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के ये क्या करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भाई आपकी एफआईआर ली जाएगी, आप निजामपुरा जाइए। मैं निजामपुरा गया, सीनियर साहब से मिला, सीनियर साहब ने मुझको सुना और मुझको कहा कि एफआईआर एक भुईवाड़े के अंदर चालू है, कई एक एफआईआर, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एक शहर में एक ही एफआईआर ली जाती है। तो उन्होंने मुझको भुईवाड़ा भेजा और मेरा जो कंप्लेंट है वो ट्रांसफर किया, तो वहां पर 4 से 5 एफआईआर हुई है, जिसमें मेरी भी एफआईआर है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, कल रात जो वीडियो आई थी वो वीडियो आपने देखा, वो खुला चेतावनी दे रहा है कि मस्जिद में आके मुसलमानों को घुस के मारेंगे अगर हमारे रामगिरी महाराज के ऊपर कोई भी बात हुई तो। तो सुन बे रितेश राणे, मैं माजी नगर सेवक मलिक मोमिन भिवंडी में इस्लामपुरे में रहता हूं, मैं तेरे को चेतावनी देता हूं कि तू बहुत दूर की बात कर लिया कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आ मस्जिद के गेट पे खड़े हो, बताएंगे मुसलमान कौम क्या होती है। हिंदू मुस्लिम झगड़ा लड़ने की कोशिश मत कर, जो हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा से रहते तो अमन और चैन खराब मत कर। मुझे जानकारी मिली है कि अहमदनगर के अंदर 2 एफआईआर हुई है, भिवंडी के अंदर 5 एफआईआर हो गई, तो हमारी ऐसी मांग है इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसके ऊपर देशद्रोही का गुनाह दाखिल किया जाए।